और रायपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने हमला बोला, कहा कि अमित शाह के दौरे से कांग्रेस डर चुकी है। दुर्ग कांग्रेस का डर है तो क्यों डर रहे हैं आखिर। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा अहम, उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि अमित शाह का यह दौरा मील का पत्थर साबित होगा। भूपेश बघेल जी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। देश के गृह मंत्री का दुर्ग आना निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक होगा और विशाल आम सभा होगी। और जिस प्रकार से यदि वो कांग्रेस का गढ़ है दुर्ग, तो घबराने की जरूरत नहीं है भूपेश बघेल जी को, पर ये उनकी बातों से पता चलता है कि वो घबराए हुए हैं। निश्चित रूप से दुर्ग की आम सभा ऐतिहासिक होगी, सफल होगी और छत्तीसगढ़ के रायपुर से ही अगली बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ सूचना आयोग की नई पहल देखने को मिल रही है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिकाकर्ता भी जुड़ सकेंगे। आज से इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। इस बात की कवायद देश के अलग अलग हिस्सों में पहले से ही शुरू हो चुकी थी और अब छत्तीसगढ़ में भी देखिए, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग की तरफ से नई पहल की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी याचिकाकर्ता सुनवाई के दौरान जुड़ सकेंगे और इससे काफी लाभ मिलने वाला है। इससे कई सारे लाभ मिलने की संभावना, आने जाने की मुश्किल पैदा नहीं होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसानी से याचिकाकर्ता अपनी बात रख सकते हैं और आज से इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। और अगली खबर जगदलपुर से है, जहां आदिवासी समाज की रैली देखने को मिली है और मांगों को लेकर आदिवासी समाज ने रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया है। आरक्षण सहित कई मांगों को लेकर रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट और कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर SC/ST और OBC में स्थानीय भर्ती की मांग उठाई जा रही। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। 15 दिनों में इन मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया। हताश होकर के आज समाज रोड में उतरी है और साथ ही साथ हमने पेशा कानून की जो बात किया है, पेशा कानून लागू तो कर दिया है। हम उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि 8 अगस्त 2022 को पेशा कानून लाया, लेकिन उसमें जो मूल भावनाओं के विपरीत उन्होंने पेशा कानून लागू किया गया है। और वो जो आज तक एक वर्ष होने जा रहा है, एक वर्ष में जो जो भी आवश्यक जो नियम आदेश अधिनियम जो संशोधन किया जाना था, अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, जबकि 2 महीना शेष है। आज 2 महीना भी नहीं कह सकते, 1.5 महीना ही शेष है, क्योंकि 8 अगस्त 2023। और अब महासमुंद से अगली बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा है। बाइक सवार एक युवक की मौत हो चुकी है। इस हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पिथौरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। पिथौरा बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ। एक युवक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। स्वास्थ्य केंद्र में लगातार उसे उपचार दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए घटना की, महासमुंद की पूरी घटना। तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक से बाइक को टक्कर मारी। इधर बलरामपुर की चर्चा करेंगे, जहां पर बारिश शुरू हो गई है। मौसम का बदलता मिजाज कहीं ना कहीं राहत भी पहुंचा रहा है लोगों को भीषण गर्मी से। चमक गरज के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। लोगों को उमस भरी गर्मी से अब लगातार राहत मिल रही है। आसमान में काले बादल छा चुके हैं और जोरदार बारिश की संभावना आने वाले समय के लिए। ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी, जहां सूरत एक्सप्रेस ट्रेन में एक बड़ी घटना घटी है। झारखंड निवासी महिला के साथ मारपीट हुई है। ट्रेन में सवार 3 लोगों से महिला का विवाद हो गया था और वीडियो बनाने की बात पर विवाद शुरू हुआ। महिला और उसके रिश्तेदार को ट्रेन से धक्का दे दिया गया। सूरत एक्सप्रेस से धक्का दिया गया। ग्वालियर जिले के बिलौवा के पास ट्रेन से धक्का दिया और महिला और उसके रिश्तेदार का इलाज फिलहाल चल रहा है। दोनों को अस्पताल भिजवाया गया है। बिलौवा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर अब तफ्तीश शुरू हो गई है। ग्वालियर का ये पूरा मामला, ये बताया जा रहा है कि सूरत एक्सप्रेस में एक महिला का 3 युवकों के साथ विवाद हो गया था, जिन्होंने महिला के साथ तो मारपीट की ही, साथ ही साथ रिश्तेदार के साथ भी मारपीट की है। दोनों को ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि पुलिस ने भी फौरन संज्ञान लिया, केस दर्ज किया है, तफ्तीश में जुटी हुई है। आरोपियों को भी तलाशने की कोशिश, ये पता लगाने की कोशिश कि आखिर विवाद रहा क्या। सूरत एक्सप्रेस से महिला को और उसके रिश्तेदार को धक्का दे दिया गया। ग्वालियर जिले के बिलौवा के पास ट्रेन से धक्का दिया गया है। सही, सुशील ज्यादा जानकारी देंगे। सुशील, क्या था पूरा विवाद, क्या इसका खुलासा हो पाया अभी तक?
देखिए सोमवार मंगलवार के दरमियानी रात का पूरा ये घटनाक्रम है, जो सूरत एक्सप्रेस ट्रेन है जो ग्वालियर से सूरत की ओर जा रही थी, इसमें झारखंड की एक महिला सवार थी, उसके साथ उसका एक रिश्तेदार भी था। इन दोनों के साथ जनरल बोगी में सवार थे। जनरल बोगी में तीन लोगों से इनका फोटो खींचने की बात पर कोई विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि युवकों ने फोटो खींचा था या वीडियो वो बना रहे थे, इसी बात को लेकर महिला और उसके रिश्तेदार का इन तीन युवकों से विवाद हुआ था। और इस विवाद के बाद भी इस तरह की घटना बताई जा रही है कि इन महिला और उसका जो साथी था, पुरुष साथी, उन दोनों को इन लोगों ने धक्का दे दिया था। और ये लोग ग्वालियर जिले के बिलौवा थाना क्षेत्र के जंगल में रेलवे पटरी के किनारे गिरे थे। उसके बाद कल सुबह ये लोग वहां से पैदल ही गांव में पहुंचे, गांव से फिर ये थाने पहुंचे। थाने में बिलौवा में इनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मारपीट, गाली गलौज का केस दर्ज किया। आरोप की तलाश अभी भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल बलरामपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यात्री बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई, छह यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। बस में 30 से 35 यात्री सवार थे। दलधोबा गांव के पास NH 343 पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। मौके पर यातायात विभाग की टीम भी पहुंची है और इस दुर्घटना के पीछे क्या वजह रही ये भी पता लगाने की कोशिश। तस्वीरें घटनास्थल की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बलरामपुर में दुर्घटना हुई है, अचानक से बस और ट्रक के बीच ये भिड़ंत। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देख रहे हैं न्यूज़ 18।